हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग पीएचपी। ओके, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी तीन वेरिएबल्स की। वेरिएबल वन जो रहेगा हमारा नंबर वन, वह उसमें हम फर्स्ट वेरिएबल के वैल्यू सेव करेंगे। नंबर टू उसमें हम सेकंड वेरिएबल के वैल्यू सेव करेंगे। और थर्ड रहेगा हमारा सम के लिए, उसमें हम लोग जो एडिशन आएगा, जो हमारा रिजल्ट रहेगा, वो सेव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डॉलर नम वन, दिस इज़ माई फर्स्ट वेरिएबल इक्वल टू 5। मैंने इसको 5 वैल्यू दी है और सेमीकोलन से इसका एंड किया है। हमेशा याद रखना, पीएचपी के किसी भी सेंटेंस का एंड सेमीकोलन से करना है, नहीं तो पीएचपी एरर दिखाएगा। नेक्स्ट डॉलर नम टू, ये मैंने सेकेंड वेरिएबल लिया है, उसको मैंने 10 वैल्यू दिया, सेमीकोलन। डॉलर सम, ओके, ये मैंने सम वेरिएबल लिया है, उसमें हम लोग एडिशन स्टोर करेंगे, जैसे कि डॉलर मेरा नंबर टू नंबर वन प्लस डॉलर नंबर टू, ठीक है, सेमीकोलन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक नंबर वन वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू 5 रखी है, नंबर टू वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने वैल्यू 10 रखी है, और एक डॉलर सम करके वेरिएबल लिया है, उसको मैंने असाइन किया नंबर वन प्लस नंबर टू, मीन्स जो भी उसका एडिशन आएगा डायरेक्टली मैंने उसको असाइन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। उसके लिए पीएचपी में है इको फंक्शन। इको डबल कोट में जो भी मैसेज देना है, वो मैसेज डबल कोट में हम कुछ भी मैसेज स्ट्रिंग दे सकते हैं जो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउज़र पे। तो मैं यहाँ पे देती हूँ एडिशन ऑफ टू, सॉरी स्पेस बहुत आया, एडिशन ऑफ टू नंबर इज स्पेस ब्रैकेट के बाहर कॉमा डॉलर सम, जो कि हमारा रिजल्ट, यहाँ पे हमने जो रिजल्ट लिया है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं, फिर मैं मेरे ब्राउज़र में जाऊँगी, वहाँ पे मेरा ये addition.php, मैं बाहर आके दिखाती हूँ। ये मेरा जैम का लोकल होस्ट है, उसमें ये मेरा एक फोल्डर है PROGS प्रोग्राम्स करके, उस पर मैंने ये addition.php का फाइल बनाया है, जिस पर मैं क्लिक करूँगी। ये अभी आउटपुट देखो, एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 15। तो ये 15 कैसे आया, मेरा नंबर वन इज़ 5, नंबर टू इज़ 10, सो 5 प्लस 10 इक्वल टू, सो ये कमेंट में आपको दिखाती हूँ ये कैसे होगा, डॉलर सम इक्वल टू 5 प्लस 10, तो ये आया 15, ओके। सो इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। सी, मेरा ये एडिशन तक ख़त्म हो गया, अभी हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सो ये मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर सम इक्वल टू डॉलर नंबर टू माइनस डॉलर नंबर वन। तो ये मैंने क्या किया, नंबर टू जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है 10, उसमें से मैंने नंबर वन को माइनस किया। अभी देखते हैं ये आउटपुट कैसे देगा। इको सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज डॉलर सब, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये आया 5। तो हमें मुझे ये इसको नेक्स्ट लाइन में लेने का है, तो मैं यहाँ पे दूंगी स्लैश एन, तो स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। हम यहाँ पे देंगे इको, ब्रेक करेंगे लाइन को फॉर यूजिंग br html br टैग सेमीकोलन ब्रेक। तो ये नीचे की लाइन में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने लिया डॉलर मल्टी इक्वल टू डॉलर नंबर वन इंटू डॉलर नंबर टू, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं इको डबल कोट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज ब्रैकेट के बाहर आएगा सेमीकोलन डॉलर
मल्टी, ओके। इसको हम एक और ये HTML का ब्रेक हम लोग इसके बाद लगाएंगे क्योंकि ये न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। ठीक, तो 10 इंटू 5 इज़ 15 क्योंकि मेरा ओरिजिनल वैल्यू था 5 और 10, तो ये 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 आया। अभी हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ टू नंबर, तो उसके लिए मैंने एक डिव करके वेरिएबल लिया। इसमें मैं वैल्यू ये करूँगी डॉलर नंबर टू डिवाइडेड बाय डॉलर नंबर वन, तो ये आउटपुट देखो कैसे दिखाएगा। इको, मैं पहले इधर ब्रेक लगाती हूँ, यहाँ पे HTML का ब्रेक का टैग सेमी कॉलन इको डबल कोट डिवीजन ऑफ टू नंबर NUMBER नंबर इज ब्रैकेट के बाहर सेमी कॉलन डॉलर डिव सेमी कॉलन इज टू। देखो अभी मैं यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू पहले हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। इको इको वैल्यू नंबर वन इज डॉलर नम वन सेमी कॉलन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लगा देंगे डॉलर नंबर टू इज नंबर टू, ओके। तो ये देखो ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ टू नंबर के पहले हमें एक ब्रेक चाहिए। देखो नंबर वन इज़ 5, नंबर टू इज़ 10, तो एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 15, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज़ 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज़ 50 एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर इज़ 2। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए हमें निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नंबर टू में से नंबर वन माइनस किया, इसके लिए यहाँ पे प्लस 5 आया। ऐसे ही आप आपके वैल्यूज चेंज करके ट्राई कर सकते हो। अभी देखो मैंने सपोज इसका वैल्यू 15 इंटू 10 किया और वैल्यूज देखो से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 15 और ये, तो नंबर वन इज़ ग्रेटर हुआ नंबर टू से, तो नंबर टू माइनस वन किया था इसके लिए यहाँ पे माइनस 5 आ गया, एडिशन 25 हुआ, मल्टीप्लिकेशन 150 हुआ एंड डिवीजन जो पॉइंट नॉट पॉइंट मीन्स 0.666 के इसमें आया वो क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने नंबर टू डिवाइडेड बाय नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर टू किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हुआ नंबर वन का। इसके लिए सपोज़ अभी मैं यहाँ पे वैल्यू करेक्ट कर देती हूँ जो कि मैंने डिवीजन में किया था, नंबर वन डिवाइडेड बाय हम लोग नंबर टू करेंगे ठीक है, एंड सेम फॉर द सब्सट्रैक्शन नंबर वन माइनस नंबर टू करेंगे, ओके। तो अभी देखो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे सब, क्योंकि मैं यहाँ पे जब सब्सट्रैक्शन कर रही थी तो लेस वैल्यू हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ माइनस कर रहे थे, इसके लिए निगेटिव में वैल्यू आ रही थी। तो आप ऐसे कोई भी आपके इनपुट्स रहेंगे वैसे वैल्यूज़ के साथ इसको ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, और भी आपको कुछ भी नए नए प्रोग्राम्स के वीडियोस चाहिए रहेंगे कमेंट में आप शेयर करो, तो मैं उसके हिसाब से आपको बना के अपलोड करती जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक